अगर आप भी टिकटॉक के दीवाने हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि जल्द ही ये ऐप गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से गायब होने वाला है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर गूगल और एप्पल को टिकटॉक हटाने के लिए कहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप की तरह टिकटॉक भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिसके जरिए स्मार्टफोन यूजर छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसे शेयर कर सकते हैं। भारत में टिकटॉक डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा है। भारतीयों में टिकटॉक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 मिलियन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर इसका रिव्यू किया। इसके जरिए जहां लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ साथ कुछ अश्लील सामग्री भी परोसी जा रही है, जिसे लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की थी और 3 अप्रैल को केंद्र को निर्देश दिया था कि मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाएं। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने कथित तौर पर गूगल और एप्पल को अपने ऐप स्टोर से चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक को हटाने के लिए कहा है। वहीं टिकटॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है। अपने बचाव में टिकटॉक का कहना है कि उसे अश्लील और अनुचित सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।